तो क्रिकेट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह ही आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ। तो आज पहला अपडेट आ रहा है क्रिस गेल को लेकर। क्रिस गेल के ऊपर कोविड-19 का काला बदल मंडरा रहा है। चलिए मैं आपको पूरा कहानी बता देता हूँ। तो भाई क्रिस गेल वुसेन बोल्ट जो कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैन है उनके बर्थडे पार्टी को ज्वाइन किया था, वहाँ पर अटेंड किया था। लेकिन भाई वुसेन बोल्ट उस पार्टी के बाद अपना कोविड-19 टेस्ट किया और पॉजिटिव निकला। उसके बाद ही भाई क्रिस गेल का करामती शुरू हो गया। लेकिन क्रिस गेल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने 2-3 बार टेस्ट कराया है, अभी तक उनका टेस्ट नेगेटिव ही आया है, जो कि किंग्स इलेवन पंजाब के लिए मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बात है। अब फिर से वो जब यूएई आएगा यहाँ पर आकर भी भाई उनका टेस्ट होगा, वहाँ पर अगर वो बच जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं तो भाई पूरी तरीके से किंग्स इलेवन पंजाब का जो प्लान है क्रिस गेल को लेकर वो फंस सकता है। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है आरसीबी के न्यू जर्सी को लेकर। अब लोग यहाँ पर देख सकते हो आईपीएल 2020 के लिए आरसीबी ने इस जर्सी को चूज़ किया है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत कलर्स में हमें शेड दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा लास्ट सीजन से फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत स्पॉन्सर यहाँ पर चेंज हुआ है, थोड़ा लोगो वोगो इधर उधर है, न्यू लोगो है, उसके साथ न्यू जर्सी आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। तो दिल्ली कैपिटल्स ने अपना न्यू बॉलिंग कोच अपॉइंट कर लिया है जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है रायन हैरिस। क्योंकि भाई यहाँ पर रिकी पोंडिंग ऑलरेडी मौजूद है और शायद उसकी वजह से रायन हैरिस दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग कोच बन चुका है, एकदम ऑफिशियली कन्फर्म है। मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग में उतना ज़्यादा तो मदद नहीं मिलेगा यूएई में, लेकिन फिर भी कहीं कहीं किसी किसी मौके पर शायद काम आ भी सकता है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से अब क्या होता है फास्ट बॉलरों के साथ डीसी में। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो का जो स्पॉन्सर है उनके बारे में मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मुझे स्पोर्ट्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत सारा ज्ञान भी मुझे है क्रिकेट के बारे में, और उसी ज्ञान को अभी मैं काम में ले रहा हूँ क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ माय 11 सर्कल पर। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा दादा सौरभ गांगुली, उसके बाद वाटसन, राशिद खान जैसा चैंपियन, इन सभी के साथ फैंटेसी क्रिकेट खेल रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है खेलने में। फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत ही आसान है, दो विरोधी टीम से अपना 11 खिलाड़ी को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद भाई खेलिए। और अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रहा है तो यहाँ पर आप लोग 1 करोड़ तक जीतकर अपने घर ले जा सकते हो, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट अपने खाते पर पैसा मिल जाएगा और 100% सिक्योर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये सभी लोग ऑलरेडी यहाँ पर जीत चुका है। और आपको अभी ये लग रहा है कि आप यहीं पर ही ख़त्म हो चुका है, कतई नहीं भाई। इस ऐप का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासियत है कि आपको एक क्लिक पर ये ले जाएगा रमी सर्कल पर, जहाँ पर जाकर आप लोग कभी भी बोर नहीं होंगे, चाहे मैच हो या नहीं हो। और भाई जाइए भाई, यहाँ पर बोनस भी मिल रहा है। आप अगर फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे तो आपको 1500 रुपये बोनस मिल जाएगा। तो फटाफट इस ऐप को चेकआउट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। तो अब चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आईपीएल 2020 के शेड्यूल को लेकर। अभी तक आईपीएल 2020 का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है और उसके पीछे भाई हमें टोटल 3 रीजन दिखाई दे रहा है जो कि बीसीसीआई भी कंसीडर कर रहा है। पहला है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लेकर फर्स्ट वीक का प्रॉब्लम। हाँ भाई, अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी क्या फर्स्ट वीक में खेलेगा या नहीं खेलेगा। ये चीज़ अगर कन्फर्म हो जाता है तो जिन जिन टीम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का खिलाड़ी कम रहेगा उस टीम का खेल आगे होगा, उस टीम का मैच आगे करेगा बीसीसीआई। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है कि भाई क्वारंटाइन रूल्स को लेकर थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है अंदर, उसको भी फिक्स करना चाह रहा है बीसीसीआई। वो भी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेगा बीसीसीआई, उसके बाद शेड्यूल अनाउंस करेगा। और इसके बाद तीसरा और मेन प्रॉब्लम है भाई यूएई का हॉट टेम्परेचर, हॉट वेदर। दोपहर को जो मैच होने वाला है उसके टाइमिंग को लेकर थोड़ा बहुत अभी भी संदेह में है बीसीसीआई कि किस टाइम पर शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है भाई यूएई के नून में, यूएई के दोपहर में, और उस टाइम में मैच करवाना थोड़ा दिक्कत हो सकता है खिलाड़ियों को, बहुत ही ज़्यादा
टेम्परेचर सहना पड़ेगा और उसको ही ध्यान रखते हुए बीसीसीआई थोड़ा डिले कर रहा है अनाउंसमेंट करने में, लेकिन फिर भी आपको और ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको भी पता चल जाएगा क्योंकि ब्रिजेश पटेल ने क्लियर कर दिया है कि आपको नेक्स्ट वीक पर ही आईपीएल 2020 का शेड्यूल मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है केकेआर के तरफ से। तो भाई बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था कि केकेआर प्रवीण तांबे को लेकर बुरी तरीके से फंस चुका है क्योंकि प्रवीण तांबे के ऊपर बीसीसीआई ने आईपीएल बैन लगा दिया है। आईपीएल में वो खेल ही नहीं सकता है क्योंकि प्रवीण तांबे बीसीसीआई के रूल्स को तोड़ा था और टी20 लीग में पार्टिसिपेशन दिखाया था और अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी खेल रहा है और उसके चलते अब केकेआर प्रवीण तांबे का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। नाम आया है भाई यूसुफ पठान का कि यूसुफ पठान प्रवीण तांबे का एक रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक भाई ऑफिशियल नहीं है। केकेआर और भी खिलाड़ी का ऑप्शन देख रहा है, उसके बाद ही हमें बताएगा कि प्रवीण तांबे का रिप्लेसमेंट कौन है, लेकिन प्रवीण तांबे के रिप्लेसमेंट के ऊपर काम कर रहा है केकेआर के मैनेजमेंट। यही है अपडेट। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है आईपीएल 2020 के सेंटर स्पॉन्सर को लेकर। ऑलरेडी टाइटल स्पॉन्सर के बारे में आपको पता चल गया है कि ड्रीम इलेवन हो चुका है आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्पॉन्सर रहता है सेंटर स्पॉन्सर के नाम पर, एसोसिएट स्पॉन्सर के नाम पर, और यहाँ पर भाई फ्यूचर ग्रुप था इस एसोसिएट स्पॉन्सरशिप में, लेकिन वो निकल चुका है वीवो के तरह और उनके जगह भाई आया है अन एकेडमी, जो कि भाई 3 साल का डील साइन किया है बीसीसीआई से आईपीएल से, लगभग 120-30 करोड़ का मामला है। तो अन एकेडमी आने वाले 3 साल के लिए आईपीएल का एसोसिएट स्पॉन्सर बन चुका है, अब लोग सेंटर स्पॉन्सर भी कह सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के फुल स्क्वाड पहुँच चुका है भाई इंग्लैंड टूर करने के लिए। इंग्लैंड जाकर वो ODI और T20 सीरीज खेलेगा, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, जहां पर भाई IPL का कुछ खिलाड़ी भी मौजूद थे, स्मिथ, उसके बाद पैट कमिंस, एरन फिंच, तो वो सभी अभी बायसिकल बबल में रहेगा और उसके बाद भाई वहां पर सीरीज ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट आ जाएगा UAE। मैंने आपको अपडेट इसीलिए दिया क्योंकि वो इंग्लैंड रवाना हो चुका है और उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भाई UAE और यहाँ पर आकर वो IPL खेलेगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ को कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को लेकर, जो कि भाई अभी UAE नहीं आया है, अभी तक न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट ने उनको सेंड नहीं किया है। बहुत जल्दी भाई हमें खबर मिल रहा है कि वो आ जाएगा UAE नेक्स्ट वीक में सितंबर के महीने पर। उनके गवर्नमेंट पूरा इंतजाम कर रहा है कि हर खिलाड़ी को एक साथ ही भेज दिया जाए IPL खेलने के लिए। ये रहा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को लेकर अभी तक के अपडेट। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है कि और 2 साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी पहुँच चुका है UAE IPL खेलने के लिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि RCB के डेल स्टेन, उसके बाद क्रिस मॉरिस, एबी डिविलियर्स पहुंच गया है, लेकिन अब पहुंचा है भाई राजस्थान रॉयल के डेविड मिलर और दूसरा है दिल्ली कैपिटल्स के न्यू रिप्लेसमेंट खिलाड़ी एनरिच नॉट जे, दोनों ही पहुंच चुका है। बहुत ही अच्छा बात है कि हर विदेशी खिलाड़ी धीरे धीरे आ रहा है और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी भाई सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। अच्छा लग रहा है सुन के कि प्रॉपर तरीके से ही इस बार IPL होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है KKR के मेंटल एंड फिजिकल कंडीशनिंग कोच को लेकर, जो कि बन चुका है भाई ओलंपियन क्रिस डोनाल्डसन। इससे पहले भी KKR के साथ वो काम किया था और फिर से KKR ने उनको ही अपॉइंट किया है एज ए मेंटल एंड फिजिकल कंडीशनिंग कोच। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है RCB के तरफ से। तो भाई विराट कोहली और RCB के कोच ने मिलकर एक वीडियो कॉल कन्वर्सेशन किया था, जहां पर विराट कोहली ने अच्छी तरीके से सभी खिलाड़ियों को क्लियर करके वार्निंग दे दिया है कि कोई भी किसी भी प्रोटोकॉल को नहीं तोड़े और एक के वजह से पूरा टूर्नामेंट ही बिगड़ सकता है। तो विराट कोहली पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि अगर कोई भी भाई कुछ गलत सलत करता है, प्रोटोकॉल तोड़ता है, बायसिकल बबल से निकलता है, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है उनके टीम को, खास करके इस लीग को भी प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो विराट कोहली एकदम फुल्ली क्लियर कट सभी खिलाड़ी को वार्निंग दे दिया है कि कोई भी किसी भी रूल्स को नहीं तोड़ेगा, अच्छी तरीके से प्रिकॉशन लेगा और बायोसिक्योर बबल का जितना भी रूल्स है वो सभी का पालन करेगा। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है सनराइज हैदराबाद के स्पॉन्सरों को लेकर। भाई थोड़ा बहुत दिक्कत तो चल रहा था सनराइज हैदराबाद में, उनका स्पॉन्सर नहीं आ रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर हो चुका है। बहुत सारे स्पॉन्सरशिप इनके पास भी आ चुका है, जितना पहले वो कमाता था उतना ही अभी भी कमाएगा और इनका न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन चुका है, आपको जर्सी के सामने देखने को मिलेगा JK लक्ष्मी सीमेंट का लोगो, जो कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। मुझे लग रहा है कि सनराइज हैदराबाद को उतना ज़्यादा अब नुकसान नहीं होगा।
फिलहाल के लिए भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की बड़ी चीज़ के बारे में पता चले। और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा।